था मुल्तान में है। मुल्तान के काफ़ी व्लॉग्स आपने मेरे देखे होंगे पिजन पैशन के नाम से। इससे पहले हमने एक सीरीज़ की जो पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क में उसको बहुत सराहा गया। तो इस अब हम हैं जी मिस्टर आसिफ के साथ मुल्तान में। ये परिंदों का शौक़ रखते हैं तो इनके बर्ड्स भी आपको दिखाएंगे और इनसे थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। तो बंधे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम आसिफ ख़ान है और मैं बचपन से ही ये बर्ड्स कीपिंग का शौक़ रखता हूँ। अभी कुछ वक्त हुआ है जो मेरे पास कुछ जगह अवेलेबल थी, मैंने ये अपने थर्ड फ्लोर पे जाके ये कुछ छोटा सा एक सेटअप लगाया है। इसमें ये ग्रीन कलर के जो आप देख रहे हैं ये रॉ है, ये लोकल बर्ड है, आसानी मिल जाता है, लोग बड़े शौक़ से रखते हैं। कुछ चंद पेयर्स मैंने लगाए हुए हैं, ये सिर्फ शौक़ के लिए हैं। और इसी तरह इसके साथ दो कुछ इम्पोर्टेड बर्ड्स भी हैं, इकलेक्टिक स्पैरट है और साथ ही अफ्रीकन ग्रे भी हैं। जो अफ्रीकन ग्रे है ये भी इम्पोर्टेड है, ये अवेलेबल लोकल, अब तो लोगों ने बहुत शौक़ किया हुआ है, लोगों के घरों में बहुत सारे हैं ये। इसी तरह एक्लेक्टस है, ये ज़रा रेयर स्पीशीज़ है। जो अफ्रीकन ग्रे है ये एंडेंजर स्पीशीज़ में है, अब इसकी ख़रीदो फरोख्त बैरून मुल्क उस पर पाबंदी है। जो लोगों ने लोकली रखे हुए हैं उसी की ही ब्रीड से इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लोग अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं। इनके चिक्स सीज़न में जब ब्रीडिंग सीज़न आता है लोग ख़रीदो फरोख्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये बहुत से आपको आसानी से मिल जाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये एक और स्पीशीज़ है इसमें एक्लेक्टस पैरट की, ये इसमें ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका मेल है, रेड और पर्पल कलर की जो है ये इसकी फीमेल है। ये बहुत ही रेयर स्पीशीज़ है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है ये। नेचर का एक आप देखिए इसको, कितने खूबसूरत इसके अंदर कलर्स हैं। ये बहुत कम आपको नज़र आएंगे, लोगों ने रखे हुए तो हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं, ज़रा हार्ड ब्रीड है। कोई जहाँ पर अगर किसी के पास इसको जगह सूट कर गई, इसने उस जगह को पसंद किया और इन्वायरमेंट इसको अच्छा मिला, तो ये पूरा साल ही ब्रीड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स। अगर आप रा पे चले जाएं या अफ्रीकन ग्रे देखें, ये सब सीजनल ब्रीड करते हैं, विंटर के सीज़न में ब्रीड करते हैं। जबकि एक्लेक्टस बर्ड जो है, एक्लेक्टस पैरट जो है, ये सारा साल ब्रीड करता है, माँ सिवाय वो गर्मी के दो महीने जो बहुत सख्त किस्म की गर्मी आती है उसमें आप चाहें तो उनको ब्रीड से हटा लेते हैं ताकि इनकी हेल्थ पर असर ना पड़े। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बर्ड है ये आप देख लीजिए, ये गिफ्ट है नेचर का। देखें इंतहाई खूबसूरत बर्ड है और आपको इसके कलर्स और ये सब कुछ ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियली किसी ने हाथ से करके इनका कलर किया हुआ है। मेरा ये शौक था बचपन से, अब मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा तादाद में रखे हुए हैं पेयर्स। आप अगर रखना चाहते हैं बतौर शौक भी रखें, लेकिन जब भी आपने इनको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखना आपको इसका शौक़ ज़रूर होना चाहिए। अगर आप इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं तब भी बर्ड कीपिंग का और इनका आपको शौक़ ज़रूर होना चाहिए ताकि उनका बेहतर अंदाज में उनको केयर कर सकें एज ए बिज़नेस। बहुत से लोग बड़े पैमाने पर ये बर्ड्स रख रहे हैं, उसका शौक़ करते हैं, इसका बिज़नेस भी करते हैं। बहरहाल चूंकि ये लाइव स्टॉक है, मेहनत बहुत मांगता है,
इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा है। ब्रीडिंग सीज़न इनका विंटर का है, उसमें बड़ी इनकी केयर करनी है। और जब सीज़न ऑफ हो जाता है, चूँकि हमारा पाकिस्तान गर्म मुल्क है, तो गर्मी का सीज़न जो ब्रीडिंग सीज़न नहीं होता, उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ताकि बर्ड जब ब्रीडिंग सीज़न पे आए उसकी हेल्थ इतनी अच्छी हो कि वो आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट दे सके। इसकी हिफाजत करना सख्त तरीन सर्दी के मौसम में, चूँकि ब्रीड करता है, आपको इसकी बड़ी केयर करनी है। इसकी फूड का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, स्पेशली ब्रीडिंग सीज़न में। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ब्रीडिंग सीज़न में ही इसको फ्रूट, वेजिटेबल और सीड्स दिए हैं, जब सीज़न ऑफ है उस वक्त भी आपने इनकी उसी अंदाज से केयर करनी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीड्स से, जैसे आप ब्रीडिंग सीज़न में करते हैं। नॉन ब्रीडिंग सीज़न है, डजंट मीन्स कि आप इनकी फीड में, इनकी डाइट में किसी किस्म का फ़र्क कर दें कि अब ये इस वक्त चूँकि ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो इनको शायद इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। नो, आपने पूरा उसी तरह ख्याल करना है। ख़ास तौर पे अब जब बहुत सख्त गर्मी का मौसम है, उसमें आपने इनकी बड़ी केयर करनी है। इनका पानी, साफ़ पानी इन, और जो इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है जिसमें परिंदे बहुत परेशान होते हैं, उसमें आपने इनके लिए इनकी जो जगह है वो इतनी कम्फर्टेबल होनी चाहिए। आपने उसके अंदर कूलिंग का कोई ऐसा बंदोबस्त कर दीजिए ताकि वो कम अज़ कम सख्त तरीन मौसम में कुछ रिलैक्स फील करें, और वो सीज़न जो ब्रीडिंग का नहीं है, नॉन ब्रीडिंग सीज़न है, उसमें वो अपने आप को सर्वाइव करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें, ताकि आप इनसे ब्रीडिंग सीज़न के अंदर ब्रीड ले सकें। क्योंकि आपने इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है, अगर शौक़ के लिए है तो आप एक दो बर्ड्स हैं, दो चार हैं, तो वो तो आप अपने घर में नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए और आपके पास अच्छा सेटअप है, कुछ आपने ज़्यादा बर्ड्स लगाए हैं, तो डेफिनेटली आप घर में किसी ऐसे फ्लोर पर जाएंगे ऊपर, जहाँ पर आप घर से अलावा ऊपर उनको रखा हुआ है, तो डेफिनेटली वहाँ पर टेम्परेचर कंपेयर करें अगर घर में, उससे कहीं ज़्यादा होगा, उसमें आपको इनकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।